देखो अच्छे से समझ लेना, चाहे तुम 11th को चाहे तुम 12th को चाहे ड्रॉपर, ये मैटर नहीं करता। देखो सुनो, तो पहले तो हम एनसीईआरटी फिजिक्स है ना, क्या है एनसीईआरटी फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सुनो अच्छे से समझो। तो क्या एनसीईआरटी फिजिक्स एक अच्छी किताब है फिजिक्स को सीखने के लिए? आंसर इज नो, नहीं अच्छी किताब। क्या एनसीईआरटी फिजिक्स बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है? बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या खराब किताब है? नहीं, डिसेंट से डिसेंट टॉपिक से डिसेंट। फिर क्यों करनी है हमको? तो फिर क्यों करनी है? जब अच्छी किताब नहीं है तो क्यों करनी है? मतलब ऐसा क्यों है बेटा? जे एडवांस में तो तब बैठोगे जब जे में निकालोगे, है ना? और जो बच्चे 11th 12th के बेटा बोर्ड में नंबर नहीं आते ना, मैं बता रहा हूं, जब तुम्हारे स्कूल में बोर्ड में नंबर, स्कूल के एग्जाम में नंबर नहीं आते तो पता है क्या करते पेरेंट्स? मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं? मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं स्कूल के एग्जाम में नंबर नहीं आते? क्या करते हैं पेरेंट्स? तुम्हारी कोचिंग बंद करा देते, तुम्हारी कोचिंग बंद करवा देते, है ना? पिटाई होती है, कोचिंग बंद हो जाती है, तुमसे 2 साल बोर्ड पे करते, तुम्हारे 2 साल बर्बाद हो जाएंगे, है ना? ये समझ में आया? तो भाई ऐसा है, एनसीईआरटी की एक रीडिंग माननी है, एक रीडिंग सबको माननी है, जेई मेन वाले इसको फॉलो करते हैं, तुम्हारे बोर्ड वाले फॉलो करते, तो माननी ही है आपको, अच्छा लग गया ना? अब जो रहे ड्रॉपर ड्रॉपर होशियार बनते हैं, हम बेटा पढ़ना, एक रीडिंग माननी में समझ लेते, एक रीडिंग सबको माननी है। पहले तो रीडिंग से गुड हैबिट, उससे अनलॉक होता है ना, उससे तुम्हारा दिमाग चलता है, रीडिंग में आपको अपने दिमाग का यूज करना होता है, इससे गुड हैबिट है ना। बेटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से बोर्ड पे एनसीईआरटी, अगर तुम्हें जेई करना, देखो जो बोला समय आईसीएसई का हूं, कैम्ब्रिज बोर्ड का हूं, इंटरनेशनल बोर्ड का हूं, इंटरकलेक्टिव बोर्ड का हूं, समय पैरेलल यूनिवर्स बोर्ड का हूं, बेटा ऐसा आपको जेई करना, एक रीडिंग माननी है, अच्छा लगे ना लगे तो तुम्हारी ऊपर, एक रीडिंग माननी है, आगे तुम्हारी मर्जी है, एक रिस्क है ना, एक रिस्क है ना, अपने हिसाब से रिस्क ले लो, तुम्हें लेना है तो डोंट डू इट एट योर ओन रिस्क, एक रीडिंग सबको माननी है ना। तो आपको जे एडवांस वाले फॉलो नहीं करते है ना, उन्हें मतलब नहीं है ना, पर उसमें तो है ना, उसमें तो मतलब समझ रहे हो ना, पहले जे मेन तो निकाल दो बेटा, वो तो तब की बातें देखेंगे ना। मतलब क्या होता है कई बार कुछ बच्चे होशियारी देते गलती करते हैं, मैंने वैसे गलती करी हुई है, मुझे तो आईडी जाना, मुझे मतलब नहीं, जे मेन से ये सब बातें नहीं करना, तो वो क्या करते हैं पूरा जे एडवांस, तो अच्छी चीज है, पर बाय चांस मान लो तुम्हारी जे एडवांस में बाय चांस तुम्हारी रैंक 4000 के अराउंड आ गई, मैं बता रहा हूं, बस बोल रहा हूं, मान लो बाय चांस आ गई, अब तुम्हें अच्छा टॉप 7 आईटी नहीं मिल रहा, अच्छी ब्रांच नहीं मिल पा रही, उसके फिर एन आई टी वारंगल, अच्छे जो एन आई टीज है, त्रिची वगैरह, बहुत सारे अच्छे मतलब बहुत काम आ जाते हैं ना, कई एन आई टीज आई टी लेवल की है ना, है ना? तो उधर आ जाते, तो होशियारी नहीं देना, जे मेन पे ध्यान देना, मतलब पॉइंट ये कि जे मेन पे ध्यान देना है ना, जे मेन पे ध्यान देना है ना, ठीक है, वेरी गुड है ना, आप वो जो भी हैबिट्स लाएंगे उसको कर लेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, है ना? तो अब देखो एनसीईआरटी का पढ़नी है, जैसे मान लो अभी अपन मान लो काइनेमेटिक्स पेपर है, आप तुम अगर मेरे पढ़ाई में ना एनसीईआरटी पढ़ोगे जाके, अगर मान लो मैंने नहीं पढ़ाया, तुम जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम पता आपकी क्या बोलोगे, यार फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट यार, नफरत हो गई यार मेरे को फिजिक्स से, यार इतनी डिफिकल्ट कैसे होगी यार, मेरे से फिजिक्स नहीं होने वाली यार, हां तो नहीं पढ़ना, सुनो ना, इंडियन मैंने कई टीचर्स एक थे, मैंने देखे थे, वो टीचर क्या करते थे, बच्चों से बोलते थे कि मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे पहले तुम खुद पढ़ के आओ, भाई मुझे तो ये तरीका बहुत बढ़िया लगता है, रीजन है भाई पहले बच्चे की हालत हो जाएगी यार, उनके लिए तो आसान हो जाता था, क्योंकि बच्चे एक बार खुद से पढ़ के आगे थोड़ा बहुत वो पढ़ा रहे, तो उनके लिए तो आसान हो गया पढ़ाना, अरे भाई पर तुमने अपना बर्डन बच्चे पर डाल दिया ना, नहीं बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग कब करनी है, जब मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हें एससी वर्मा कर ली, तुम्हारे से डाउट हो गया, सब हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, तो उस पॉइंट पे तुम खुद भी एक्सपर्ट बन जाओगे, तुम एक सर्टेन लेवल के एक्सपर्ट बन जाओगे इस टॉपिक के, अब तुम जब एनसीईआरटी उठोगे ना, तुम 15 मिनट में पढ़ के फेंक दोगे, तुम 15 मिनट में पढ़ के फेंक दोगे एनसीईआरटी, ऐसा है समझ में आया, 15 मिनट में पढ़ोगे और फेंक दोगे, तुम कहोगे ये सवाल है, इसमें कुछ नहीं है यार, मतलब एक मामूली सी किताब, एक बार पढ़ के पढ़ने में जा क्या रहा, पढ़ देना भाई, पढ़ देना एक बार, हाँ इतना क्या रो रहा है कि मैं इस बोर्ड से, मैं इस बोर्ड से, मैं ड्रॉपर में नहीं बनूंगा, मत पढ़ भाई, जा रोला पे बाद में मत पढ़ो, हाँ अब अगले डाउट आएगा, सर क्या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करने की जरूरत है, सर क्या एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है, सर क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, यही डाउट है ना तुम्हारा, तो भाई ऐसा है, अगर समय मिले तो कर लो, वो मैं मिले दूंगा, इतना मटेरियल मैं दे रहा हूँ, कहाँ मिलेगा, तो मतलब समय मिले दूंगा, इतना मटेरियल दे रहा हूँ, मिले दूंगा, तो भाई देखो अगर समय मिल जाए तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है, बाकी जरूरी नहीं है, जो तुम्हारे जेई के लिए सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन है वो नोट्स में मिलेंगे, वो डीपीपीज में मिलेंगे, वो एससी वर्मा में मिलेंगे, और जो मैं कोटा के शीर्ष देने वाला हूं उसमें मिलेंगे, जो सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो कोटा इधर मिलेगा तुमको, ना वो इधर मिलेगा, समझ आएगा ना, तो कर सको तो कर लेना, बल्कि ना आपको जैसा मैं फलाना कोचिंग में पढ़ता हूं, फलाना कोचिंग का कर लूं, तो बेटा ऐसा क्या, अगर तुम किसी फलाना कोचिंग में पढ़ रहे हो, पहले तो इस क्लास से बाहर निकलो, मैं अपनी रैंक शेयर नहीं करता ना, इधर का आ रहे हो, अगर मान लो तुम्हें एक नदी पार करनी है और तुम्हारे पास दो नाव है, मान लो तुम भाई बहुत अमीर हो, तुमने दो नाव खरीदी, तो क्या करोगे, एक टांग इस नाव में रखोगे, एक टांग इस नाव में रखोगे, नहीं बेटा दो नाव है तो बेटा एक नाव को छोड़ के आना पड़ेगा, इधर आना है तो बेटा छोड़ के आना पड़ेगा ना, काटो पुरानी स्ट्रिंग काटो, अपन अपनी देंगे ना, शेयर नहीं करते, तो कहीं और पढ़ो तो भाई निकलो, यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमसे पढ़ो कहीं और पढ़ोगे क्या, कैसी कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, चलो ना अब ये क्लियर है, सारी चीज क्लियर है, अच्छा एक चीज ना, ठीक है ना, अच्छा रेगुलर होने का क्या मतलब है, बता दो रेगुलर होने का क्या मतलब है, कब क्लासेस मिस कर सकते हैं, क्लासेस कब मिस कर सकते हो, जैसे मान लो किसी दिन सिर दर्द हो रहा है तो क्लास मिस नहीं करनी, बिस्तर पर लेट जाओ, मोबाइल ऐसे पकड़ लो, नोट्स मत देखो, जाओ पर क्लास पूरी सुननी है, अटेंड करनी है ना, मान लो जैसे हमारे भैया की शादी हो गई, भैया को शादी करने तो तुम क्लास करो, भैया को करनी तो थोड़ी ना शादी करनी, दीदी की शादी तो दीदी को तुम्हें क्या करना भाई, दीदी की शादी तुम पढ़ाई करो, तुम काय को मतलब बेमतलब है, है ना, तो घर में कोई मान लो पूजा हो रही है, अच्छी बात है, घर वाले पूजा कर लेंगे, तुम्हारे बिना भी पूजा हो जाएगी, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सर त्यौहार हो रहा है, बेटा घर वाले त्यौहार बना लेंगे, तुम्हें थोड़ी ना बनाना है, तुम आईडी में आगे बनाओगे, तुम्हारी थोड़ी ना है, सर स्कूल में अभी बता दे रहे हैं ना, स्कूल में सर स्कूल में एनुअल फेस्ट हो रहा है सर, उसमें मैं डांस करूंगा सर, सर उसमें मैं फैशन शो में अजीब अजीब कपड़े पहन के घूमूंगा सर, वो ब्राजील वाला सॉन्ग बजेगा, तो बेटा उनको तुझे क्या करना, सर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, सर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, स्कूल में सर स्पोर्ट्स खेलूंगा सर, अभी तुझे क्यों खेलना, अब तुम कहोगे सर आप कितने बेकार हो, बच्चों से बचपना छीन लिया, ये कैसे लोग हैं, ये कोचिंग इंडस्ट्री, बच्चों से उनका बचपना छीन लिया 2 साल उनके, अरे भाई ऐसा है कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा है कि आपको लाइफ में कुछ भी अच्छी करना होता है ना, चाहे तुम इलॉन मस्क देख लो, कुछ भी देख लो, कुछ बड़ा करना होता है जब, है ना, तो आपको भाई वन सिंगल फोकस होकर काम करना होता है, और आईआईटी में ऐसा तो है नहीं, 9 लाख बच्चे फाइट मार रहे, वो नहीं खेल रहे, वो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, वो नहीं जा रहे, वो दीदी की शादी अटेंड नहीं कर रहे, वो घूमने नहीं जा रहे, वो कह रहे घर वाले आप घूम जाओ, नहीं जा रहे घूम, तो बेटा 9-10 लाख तो फिर ऐसा नहीं है ना कि हर किसी को मिलता भी है ना, तो अगर आपको आईआईटी करना है तो उसके लिए सैक्रिफाइस डिमांड होगा ना, अब ठीक है वो फिलोसफी अच्छी है कि बच्चों से बचपना और ओवरऑल ग्रोथ अच्छी, सही बात है ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, एनुअल फेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए स्पोर्ट्स में भी, बट आईआईटी में जाना इतने अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं, आईआईटी बॉम्बे में मूड इंडिगो होता है, आईआईटी दिल्ली में रोंदे भी होता है, आईआईटी कानपुर में अंतरांग होता है, इतने अच्छे अच्छे कल्चरल फेस्ट होते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, वहाँ पर मजा भी आएगा, है ना, वहाँ पर तुम्हारे जब आईआईटी में जाओगे तो हीरो भी बन जाते हो, समझो तो आईआईटी में जाते हो हीरो भी बन जाते हो, जैसे तो आईआईटी दिल्ली में मान लो, तो आजू बाजू के दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी समझो ना, चलो वहाँ पर तुमके सामने हीरो, तुम्हारे चांसेस भी आए, समझो ना, तो पहले पहले करो, तो पूरे इतने सारे कॉलेज आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे, है ना,
और तो पहले पहुंचो तो बेटा, आईटी का हीरो तो बनो, पहले हीरो तो बनो, पहले हीरो तो बन जाओ, हीरो तो बनो पहले, उसके लिए तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है ना बेटा, बिना सैक्रिफाइस थोड़ी ना होता है। अब तुम्हारी चॉइस है भाई, नहीं करना नहीं, हम तो ओवरऑल है, हम तो करेंगे, हम तो स्पोर्ट खेल भाई, बहुत अच्छी बात है, खेल भाई स्पोर्ट बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं रोक रहा, खेल भाई कौन रोक रहा, हम तो बोल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी खेलो है ना, दोस्ती यारी वारी से कुछ होता नहीं है ना, सभी बात है, दोस्ती होती है सभी बात होती है ना, अब दोस्ती के गाने गाने सॉन्ग सुनने सुनो, पर सभी बात होता है, ऐसा ध्यान रखना ना, दो साल के लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पढ़ाई आई टी, सुबह उठो तो आई टी, शाम को सुबह आई टी, सब आई टी दिखाई है ना, दोस्त बुरा माने अच्छी बात, दोस्त कह रहे कभी बात नहीं, चल निकल यहां से है ना, चलो तो अभी मान लो किसी दिन बहुत ज्यादा तबियत खराब हुई, किसी दिन से बहुत ज्यादा तबियत खराब हुई सर, आप तो क्या करें, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई सर हमारी, बिल्कुल मतलब इतनी तबियत खराब हो गई कि अगर तुम बिस्तर से उठो, मतलब बिल्कुल बदन टूट रहा है, ऐसे टूटे हुए पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे पूरे लाल हो गए, नीले हो गए भाई, पीले हो गए बिल्कुल है ना, इतना कि भाई अगर तुम बिस्तर से उठो तो तुम्हारी मुंडी टूट के गिर जाए, अगर ऐसी हालत हो जाए, मान लो ऐसी हालत हो गई थी, तो उस केस में तुम बिस्तर से उठोगे, तुम्हारी मुंडी टूट के गिरेगी, तो तुम्हारा जो भूत है वो आके क्लास करेगा है ना, मतलब पॉइंट ये क्लास कभी भी मिस नहीं करनी, क्लास कभी भी मिस नहीं करनी है ना, तुम्हारा भूत आके क्लास में, कोई भी क्लास किसी भी हाल में, देयर इज नो वैलिड एक्सक्यूज, सर व्रत कर रहा था सर मैं, सर हमारा फेस्टिवल चल रहा था सर, ठीक है, कोई आईडी नहीं बनता, कोई आईडी नहीं बनता, सिंसियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लॉयल भाई, जब ऐसा है कि भाई ऑनेस्टली बता रहा हूं, जितना मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूं शायद ही कोई करता हूं, ये जान लगाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और फिर लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, आई डोंट शेयर माय रैंक्स, तो अगर आपको कहीं और पढ़ना है जाके पढ़ो, कोई इशू नहीं, यहां पे मतलब पूरा रिवीजन करेंगे, मेरा तरीका मैं कराता हूं, मैं फिर तुम्हें दो महीने में पूरा अच्छे तगड़े तरीके से रिवीजन कराऊंगा ना, ठीक है, और रिवीजन में याद रखना एक चीज ध्यान रखो है ना, जब भी अपन एसी बनवा कर रहे हैं, जैसे कोई भी एसी बनवा कर रहे हो, शीट कर रहे हो, डीपी कर रहे हो, तो हमेशा क्या होता है, अपन 10-20 क्वेश्चन में अपन को ऐसा एक क्वेश्चन मिलता है जो अपन को अच्छा लगता है, उस क्वेश्चन को मार करके रखना है ना, जैसे मैंने ये कहा था एसी बनवा में ना, मार करके रखना है क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को मार करके चलना, हर एक क्वेश्चन 10 में से एक या दो क्वेश्चन है ना, 10 में से एक दो क्वेश्चन को मार करना, जो तुम्हें अच्छा लगे, कुछ क्वेश्चन करके तुम्हें ऐसा फील होता है कि मेरा कॉन्सेप्ट पहले गलत था, सुधर गया, या फिर कुछ क्वेश्चन करके गलत था, ये मेरे से पहली बार में सुनने होता है, शायद अगली बार मैं भूल सकता हूं, इसको मैं फिर से करना चाहूंगा, तो जब अपन रिवीजन करते हैं ना, पहला रिवीजन, तो पहले रिवीजन में नए क्वेश्चन नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन का मैटर नहीं करता, नए क्वेश्चन करने से नहीं, मैं रिव्यू पैकेजेस कर रहा हूं, मैं जीएमपी कर रहा हूं, मैं रैंक बूस्टर कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, नहीं भैया नहीं, पहले तुम्हें जो क्वेश्चन करे हैं, जो मार्क्ड क्वेश्चन है, पहले रिवीजन में मार्क्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको क्वेश्चन मार्क ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम सोच भी नहीं सकते, गलती मत करना है ना, इट्स नॉट अबाउट न्यू क्वेश्चंस, मार्क्ड क्वेश्चंस करो, मार्क्ड क्वेश्चंस सबसे पहले रिवीजन में, मार्क्ड क्वेश्चंस बेटा, मार्क क्योंकि जब तुम रिवीजन करोगे ना, अब तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे काइनेमेटिक में 100 क्वेश्चन नहीं कर लो है ना, तुम्हारे पास 20-30-40 क्वेश्चन करने, तो जो तुमने क्वेश्चन मार्क करे उनको करने से ना, तुम्हें सब कुछ रिकॉल आ जाएगा, ये तुम्हारे लिए सिलेक्टेड है ना, मैं तुम्हें अपने मार्क्ड क्वेश्चन दे सकता हूं, पर उससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग, कुछ क्वेश्चन करके तुम्हें लगता है ये तुम फिर से करना चाहोगे, याद रखना 10-20% होते हैं, 10-20% क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डीपीपी ये हर सब्जेक्ट में हुए, नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स, फिजिक्स और मैथ्स हर सब्जेक्ट में हुए, दिस इज ट्रू, तो है ना, तो भाई आज के नोट आज रिवाइज करो जाके, अगर तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से तो कर भाई एक्सप्लोर कर, फिजिक्स में जब तक एक्सप्लोर नहीं करेगा दिमाग नहीं खुलेगा, वीकली रिवीजन जरूरी होता है, भूलते फिजिक्स भी वोलेटाइल है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वोलेटाइल होती है ना, उड़ जाती है ना, ना? जैसे वीजे सर बोलते हैं ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाई वोलेटाइल है, फिजिक्स भी भाई वोलेटाइल होती है, उड़ती है ना, उतनी नहीं होगी पर होती है, आपको वीकली रिवीजन आप भूल जाओगे, आप धीरे धीरे भूलने लगोगे, रिवीजन करो भाई, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, सबको पता होता है, अगर तुम्हारे पास कहीं से माइंड मैप्स शॉर्ट नोट्स फॉर्मुला शीट आ गई मान लो, क्योंकि यहां पे आने से पहले तुम भी यूट्यूब तो करी होगा, तुमने भी आज तक सभी करते हैं ऑनलाइन आने से पहले, वो तो तुम्हारा होगा, तुमने भी जाके भाई सच बताओ टॉपर्स के नोट्स डाउनलोड करे होंगे, टीचर्स ने नोट्स शेयर करे होंगे, टीचर्स की अच्छी हैंडराइटिंग के नोट्स शेयर करे डाउनलोड करे होंगे, माइंड मैप और आई डोंट नो, अगर ऐसा कुछ है तो भाई फेक उठा के, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, ये सब फेक उठा के, फेक उठा के ना, सफर जी चीज है, फेक पॉइंट उठा के, यू डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स, थ्रो देम अवे है ना, ट्रिक्स व्रिक्स और जिनको करनी वो यहां बताना, क्या बोला तुमने, सुन लो यार है ना, सुन लो, तुम भी बहुत सारी चीजें भूल गए, सुन लो है ना, है ना, देखो अब बहुत सारे लोगों से उनका ये होता है कि यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाद में करेंगे, अच्छी भी चीज है कि अभी हम ऐसे बना लेते हैं, शीट सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, आजकल ना समय नहीं पता, जब बता अप्रैल में होता था ना जी, मैं तब भी दिक्कत हो जाती थी, कई बच्चों के छूट जाते थे, कर नहीं पाते थे, और अगर इंडिया बहुत अच्छा बच्चा था यार अभी ना रिसेंटली यार, उसके छूट गए थे ना, वो फिर 5,000 रैंक आ गई उसकी, जबकि मतलब वो मतलब अंडर 500 वाला बच्चा था, उसके छूट गया लास्ट में जाके है ना, तो है ना, था 3-4 साल पुरानी बात है ना, तो क्या बोला था मैं, तो क्या होता है कि आजकल समय नहीं है बेटा, जनवरी फरवरी में तुम्हारा जेई मेन आ जाता है ना, तो जेई मेन को तो 100% करने ही करने, हर एक को अभी खत्म करने, मैं क्लास में तुम्हारी करवा दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी, क्लास में करवाऊंगा, जेई एडवांस के भी अटलीस्ट सिंगल करेक्ट, अटलीस्ट सिंगल करेक्ट है जेई एडवांस की, कोशिश करना, नहीं होता तो फिर अपन रिवीजन के दौरान करेंगे, पर कोशिश करना है ना, तो जेई एडवांस के अभी करने ना, फर्स्ट रिवीजन है ना, कुछ अभी करने, कुछ बाद में करने, कुछ अभी कुछ बाद में, भाई तुम्हारी प्रिपरेशन में एनएफ की जरूरत नहीं है, अगर है तो यार हटा दो, बस यही बोल रहा हूं, यूट्यूब इंस्टाग्राम टिकटॉक पबजी नेटफ्लिक्स आई डोंट नो, अगर है अभी इंस्टॉल करो ना, अभी करो इंस्टॉल, अपन आगे बढ़ेंगे, दो चीज करो, या तो इंस्टॉल कर दो, और अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा तो क्लास से एग्जिट कर दो, या तो इंस्टॉल कर दो या क्लास से एग्जिट कर दो, व्हाट्सएप की वैसे सही बताओ ना, तो व्हाट्सएप की जरूरत है ना, टेलीग्राम को भी याद रखना, चिट चैटिंग के यूज नहीं करना, बस टीचर्स के ग्रुप और जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, व्हाट्सएप को भी कर दो ना, देखो दोस्तों की कोई जरूरत नहीं, मैं बस मैं ये बता दे रहा हूं, अगर दोस्तों से बात नहीं हो पा रही, जो सच्चा दोस्त है वो 2 साल तक रुकेगा, नहीं है तो जरूरत भी नहीं है ना, हटा दो इनकी जरूरत नहीं है, ऐसे फर्जी ग्रुप को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, मोटिवेशन भाई प्लीज बंद करो, मोटिवेशन और स्ट्रेटजी से ज्यादा घटिया चीज कुछ नहीं होती, दो सबसे घटिया चीज है वो है मोटिवेशन और स्ट्रेटजी, इनको छोड़ो यार, पढ़ाई पे चलो, पढ़ाई सही रहे, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है ना, यूट्यूब कर दिया अनइंस्टॉल करा, कर दिया अनइंस्टॉल नहीं हो रहा तो फोर्स स्टॉप करो, अगर तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोर्स स्टॉप यूट्यूब, देखो समझो एप्स बहुत एडिक्टिव होती है ना, कभी भी जैसे यूट्यूबर बोलते ना कि भाई नोटिफिक वो क्या बोलते हैं बेल आइकन बोलते हैं, बेल आइकन दबा दो, घंटी दबा दो, बेटा क्यों दबा दो यार, क्या हम गुलाम बनना चाहते हैं उनका, कि उनका नया वीडियो है, उनको 2-4 रुपए की कमाई करनी है, उनको वीडियो पे व्यू चाहिए तो हम उनको जाके देंगे, मतलब क्यों हम किसी का बेल आइकन दबाएं, मतलब देखो लाइफ में बात किसी की नहीं, कभी नहीं, कभी तो मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना, भाई एडिक्शन है, दिस इज रियल थिंग, दिस सोशल मीडिया एडिक्शन, दिस डोपामाइन जो हमें चाहिए दिस रियल है ना, कोशिश करो जो फोन सुबह से उठो तो कम से कम 10-15 मिनट फोन ना चलाओ, आदत होती है मैसेज चेक करने की, डोपामाइन चाहिए सुबह उठते ही, तो भाई अगर जिनके पास लैपटॉप है क्लासेस लैपटॉप पे करें, जिनके पास है भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप है क्लासेस लैपटॉप पे कंप्यूटर पे करो, कीपैड वाला मोबाइल रखो, तुम्हारी बेस्ट पढ़ाई होगी, मैं बता रहा हूं तुम्हारी बेस्ट पढ़ाई होगी,
जो भी है देखने का, तो तुम्हारे लैपटॉप मोबाइल फोन से वेरिएटेड। और अगर भाई नहीं ऑप्शन तुम्हारा मोबाइल फोन है तो सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो, व्हाट्सएप का कभी नोटिफिकेशन, कोई जरूरी मैसेज नहीं होता, बिलीव मी सब कोई मैसेज जरूरी नहीं होता, फोन को डीएनडी पे रखो हमेशा, जरूरी होगा 30-40 बार कॉल कर देगा, नहीं होता बर्बादी सफर है, कीपैड वाला मोबाइल फोन रखो अगर पॉसिबल है, नहीं तो भाई नोटिफिकेशन बंद करना, ये छोटी चीज नहीं है, ये जो डोपामिन की जरूरत होती है ना, थोड़ी देर में हमको कुछ नया चाहिए, आवर ब्रेन लुक्स फॉर नोवेल्टी एवरी सेकंड, एंड नॉट जस्ट यू, एवरीबॉडी इज एडिक्टेड, एवरीबॉडी इज एडिक्टेड दिस दिस इज ना, तो तुम्हें बाहर आना है उसे ना। अब तो कोई बड़ी बड़ी बात करते हैं, हो सके तो 5 मिनट मेडिटेट कर लिया करो, गाइडेड मेडिटेशन कर लिया करो 5 मिनट किसी दिन में, इतना सबके पास समय होता है 5 मिनट गाइडेड मेडिटेशन, हमें तुम्हें बता नहीं सकता वो कितना जरूरी है, स्पेशली जब वैन यू आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया गेम्स एंड ऑल दिस थिंग्स ना, गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब वगैरह पे है, हेड स्पेस होता है, हेड स्पेस ऐप अगर अफोर्ड कर सकते हो 700-800 रुपए होता है इसका ना, अगर हेड स्पेस अफोर्ड कर सकते हो तो यार टेक इट ना, मतलब एवरीबॉडी नीड्स इट, बाकी तुम कहोगे सर हाई बात करते तुम्हारी मर्जी भाई, मेरा काम बता दिया, अगर तुम्हारे घर में टीवी है उठा के फेंक दो भाई, टीवी की जरूरत ना तुम्हें ना तुम्हारी मम्मी को ना तुम्हारे पापा को उठा के फेंक दो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बर्बाद करती है चीज़ ना, इसी लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें ना, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी को फॉलो कर रहा है भाई हटा दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो है ना, और अगर कुछ जरूरी देखना है तो ब्राउजर पे जाकर देखो, ऐप पे मत देखो, ऐप्स एडिक्टिव होती है, वो उनका काम है कि तुम्हें एंगेज करके रखना, स्पेशली जो अभी नया चालू है ना ये जो इंस्टाग्राम रील्स टिकटॉक एंड यूट्यूब शॉर्ट्स भाई, वो तुम्हें खत्म कर देंगे जीवन भर के लिए, वो हर 30 सेकंड में तुम्हें नया तुम्हारा अटेंशन स्पेंड खत्म कर देते हैं, तुम पढ़ाई कैसे करोगे, अगर तुम उनको देखो तुम पढ़ाई कर नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हें हर 30 सेकंड में नई चीज दे रहा है, गिविंग यू नॉवल्टी एवरी 30 सेकंड में, इतना मजा आ रहा है, हर 30 सेकंड में तुम्हें कुछ नया मिल रहा है, हर 30 सेकंड में तुम्हें कुछ नया मिल रहा है, दे आर गिविंग यू नॉवल्टी, दे आर गिविंग यू डोपामिन हिट 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 हिट, थोड़े दिन बाद तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, नाउ दे नीड मोर, पढ़ाई करने में नहीं मिलता, पढ़ाई करने में डोपामिन तब मिलता है जब एग्जाम में नंबर आते हैं, यहाँ पे इजी डोपामिन है, दिस इज इजी डोपामिन, इंस्टाग्राम रील्स वीडियोस स्वीट ड्रिंक्स और आइसक्रीम एंड ऑल, दिस इज वेरी इजी डोपामिन, डोंट डू दैट, अगर अच्छी बात है बेटा दिव्याशु, अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, ऐप इंस्टॉल कर दो, ऐप इंस्टॉल कर दो, ठीक है, ऐप इंस्टॉल कर दो, जब जरूरत हो तो ब्राउजर पे जाके देखो, जरूरत हो तो ब्राउजर पे जाके देखो है ना, ठीक है, ऐप मतलब ऐप की जरूरत है ना, ब्राउजर कम एडिक्टेड होते हैं, ब्राउजर को खोलना पड़ता है, मेहनत लगती है, इंडिया मेरा छोटा भाई है ना, तो उसने अपने फोन में पता नहीं कौन सा यार क्या इंस्टॉल कर रखा है, तो वो है कंप्यूटर साइंस का ना, उसने आईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस कर रखी है ना, अभी वो गूगल में है मेरा छोटा भाई है ना, उसने पता नहीं क्या या, क्या बोलते हैं यूआई बोलते हैं कि यूआई, उसने अपने फोन में कुछ यूआई इंस्टॉल कर रखा है, उसका फोन दिखने में लगता है उसमें कोई ऐप दिखती नहीं, एक भी ऐप नहीं दिखती उसमें, हाँ मेरा सारा भाई ना, रियल ऑन ब्रदर ना, हाँ यूजर कुछ कर रखा है, तो उसमें जो भी खोलना है ना टाइप करना पड़ता है, यूट्यूब खोला यूट्यूब टाइप करो तब खुलता है, कुछ भी नहीं दिखता, बहुत अच्छी चीज यार, वो तुम्हें एडिक्शन से बता रही है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता है हम बस बोर हो रहे होते हैं, चलो इस पर क्लिक करते कुछ नहीं है, चलो इंस्टाग्राम चलो कुछ नहीं है, चलो टेलीग्राम चलो यहाँ पर भी नहीं, चलो आ जाओ यहाँ पे, तो ध्यान रखो ना भाई, कोई भी दिक्कत है तो मुझे आके बताओ ना, और इतने सारे टीचर्स फिजिक्स वाले उनको भी बता सकते हो, कभी कोई इशू आ रहा है कुछ है ना, इतने सारे टीचर्स हमारे लिए बैठे हुए हैं, और बाकी मैं हर हफ्ते भाई आस्क मी एनीथिंग सेशन में हर हफ्ते लेने की कोशिश करता हूं, वहां पे आके तुम मुझसे बात कर सकते हो ना, ठीक है, व्हाट्सएप पर्सनल पे कॉल होनी है ना, कोई दिक्कत है पढ़ाई नहीं हो रही कुछ भी तो आके बताओ, ऑनेस्टली बताओ सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पैकेज क्या बेटा, पैकेज क्या बताओ, पैकेज क्या बताओ, पैकेज का मतलब क्या, मटेरियल को पैकेज बोल रहा है, छोटे भाई का पैकेज पूछ रहा है, क्या करना, यूएस जा रहा है थोड़े और सड़क गया पागल हो गया, बोल रहा है कि मैं गूगल छोड़ रहा हूं मुझे आईएएस करना है, मेरा पगला गया क्या, पता नहीं बैठ गया आईएएस की तैयारी करना चालू कर दिया, पागल हो गया, कंपनी यूएस भेजी वीजा वीजा मिल गया, मैंने कहा जा मजे कर, नहीं आईएएस करना है चाहिए, पागल हो गया ना, मैं निकल जाता तुरंत, मैं तुरंत निकल जाता, मैं कहता चलो भाई निकलो चलो, व्हाट इज फिजिक्स ऑलिक्स, बी ऑल आर फिजिक्स ऑलिक्स, बी ऑल आर फिजिक्स, चलो बाबा भाग लो यार, बहुत हो गया, अब भागो, तुम लोगों ने बोर कर दिया मेरे को, भागो देखो यहां से, दफा हो जाओ, ओझल हो जाओ मेरी आंखों के आगे से, ओझल हो जाओ, भागो यहां से, पहली फुर्सत में निकल लो बेटा, निकल लो पहली फुर्सत में।